आज हम बनाने जा रहे हैं देखिए आलू और पालक की साग। देखिए पालक में आप आलू डाल के बनाएं, इसका दोगुना टेस्ट आएगा। आप दाल के जगह चावल और पालक साग ही खा लीजिएगा। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम सरसों का ऑयल डाल देते हैं 1 चम्मच, देखिए हमने 1 चम्मच ऑयल डाले हैं। अब इस पे हम लहसुन डाल देते हैं 3 कटी हुई, इसमें हम 1 सूखी मिर्ची डाल दिए हैं टुकड़े करके, लहसुन और ये मिर्च हो गया। इसमें हम पालक काट के धो के रखे थे, अब आलू 1 सभी को डाल देते हैं। अब इसको हम ढक कर किसी तरह छोड़ देते हैं। अब हम साग में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मेरी साग अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसका पानी जो है हम सुखाना है हमको, जैसे 15 मिनट और लगेगा। ये देखिए पालक और आलू की साग बनके कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा तेल नहीं लगा ना इसमें मसाले लगा, बस खाने में भी इतना ही टेस्टी है। एक बार आप बना के देखें, अगर अच्छी ना लगे तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हेल्दी है, इससे हमें बहुत सारी बीमारी दूर होती है साग खाने से।